आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चीन का राष्ट्रीय अनाज व्यापार केंद्र 13 मई को बोली के माध्यम से 3,14,000 टन आयातित सोयाबीन बेचेगा। इस कदम से घरेलू बाजारों में सोयाबीन की आपूर्ति में बढ़ोतरी की संभावना है। इधर सोयाबीन तेल की बढ़ती कीमत के बीच शासन ने जमाखोरों पर सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते हाल ही में उज्जैन जिले के बड़नगर मार्ग के चंदूखेड़ी स्थित एक सोयाबीन तेल प्लांट पर छापा मारकर 70 करोड़ की कीमत की सोयाबीन जब्त कर दी गई है। इधर सोया तेल में वैवाहिक सीजन की मांग अच्छी रहने के बावजूद की कीमतों में स्थिरता रही, जबकि KLC 39 प्लस पर बंद हुई। मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड और USDA की रिपोर्ट आने के पहले डॉलर की चाल के साथ भारत में टैक्स में कटौती और इंडोनेशिया प्रतिबंध की अफवाहों के कारण खाद्य तेल के भाव की चाल काफी कटीली होगी। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।